तो हेलो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो तुम देख सकते हो लिखा है -9/10 + 2 होल 3/6 -2/18। तो सबसे पहले भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो, तो 16 × 32 = 35/16, ठीक है ना। ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इस तरह से लिख लिया। अब 10, 16, 18 इन सबका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे आएगा 720। अब 10 से इस 720 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 72 टाइम। तो जो 72 आएगा वो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब ये काम जैसा इसमें किया वैसा इसमें करो। अब 16 से डिवाइड करो 72 को, आएगा 45 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब 18 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 40 टाइम। तो 40 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 648 आया, 1575 आया और इसका 80 आया। इन दोनों को सबसे पहले ऐड करो, कितना आया, 2223 और ये माइनस का 80। इसमें से आपस में माइनस करो, आ जाएगा 2143/70, 720। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आ जाएगा 2 होल 703/720। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अब बेटा जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है इसी का सी पार्ट, ठीक। तो देखो अभी क्या है, इसके नीचे 1 मान लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। अब 1 से 8 को डिवाइड करो, कितनी बार जाए, 8 टाइम। तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ये बात नहीं समझे, देखो जैसे 1 है, 1 से 8 को डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो इस 8 से इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देगी, 8 से 8 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 4×32 - 1 - 6, ठीक है ना। ये आ गया 8। अब 32, ये दोनों साइन नंबर एक ही साइन के हैं, मतलब नेगेटिव नेगेटिव, इनको आपस में ऐड कर लो, आ जाएगा 7। अब 32 - 7, ठीक है ना, कितना जाएगा, 25। कितना बचेगा, 25/8। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 8 × 3 = 24 होता है, 1/8 ऐसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, जिन नंबर दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है, पहला वाला 4th का ए पार्ट, एडिटिव इनवर्स हमें किसका निकालना, -3/7 का। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जिस चीज़ का भी तुम्हें एडिटिव इनवर्स निकालना हो, जैसे हमें इसका निकालना, तो कुछ नहीं करना, केवल उसके आगे माइनस का साइन लगा दो और जितना कुछ लिखा है वैसे उठा के रख दो। क्या लिखा हुआ है, -3/7, ठीक है, ठीक है बेटा। वैसे यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अभी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, एक मिनट, -3/7। आप ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो बेटा साइन बदल जाते हैं, ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं ना, या तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे समझ लो कि ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, 7। तो अगर देखा जाए एडिटिव इनवर्स, -3/7 का क्या है, 3/7। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है बेटा, ध्यान दो, जैसे लिखा हुआ है इधर साइड में लिख रहा है, जैसे 5 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये जीरो हो जाए, तो बेटा 5 में केवल -5 ही ऐसा नंबर है जो ऐड कर दो तो आपस में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये 5 ± -5 ये दोनों कट जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये जीरो हो जाएंगे। तो एडिटिव इनवर्स निकालना बहुत आसान है, जीरो का एडिटिव इनवर्स, जीरो के आगे जीरो माइनस जीरो लगा लो तो भी उसका मतलब क्या होता है, जीरो ही होता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/4/7, इसका आंसर क्या आएगा, मैंने बताया था जो भी नंबर दिया उसके आगे केवल सिर्फ माइनस लगा देना। तो इसको ओपन करो, तो सबसे पहले माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक, और इसको सही करके लिख लो, 5 × 35 = 4 39/7। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में भी करेंगे तो यही आएगा, वैसे इसको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। इसी तरह एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/51 का क्या होगा, माइनस लगा दो, यही आंसर, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 31/51, ठीक। इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या होगा, सिर्फ माइनस साइन लग जाएगा, और पहले इसको देखो, अंदर अंदर माइनस माइनस तो ये कट गए, ऊपर नीचे माइनस माइनस के साइन हो तो काट देते हैं, अब ये बाहर माइनस और अंदर प्लस, तो क्या आ जाएगा, -27/8, ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो एडिटिव इन्वर्स निकालना बेटा बहुत इजी, बहुत ही इजी। ये पेज छूट गया। अब ये देखो एडिटिव इन्वर्स ऑफ, अभी इसका हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, माइनस टू बाई माइनस फाइव क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट कर दो तो अंदर प्लस है बाहर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस टू बाई फाइव एडिटिव इन्वर्स इसका निकालना है। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो पहले इसको सही कर लें। अगर हम देखें तो वैसे ना सही करो, मैंने डायरेक्ट सबसे पहले लेकिन बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तुम्हें। अब ट्वेल्व, अब देखो बेटा पहले अंदर अंदर सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस तो सेवन पॉइंट ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक ब्रैकेट ख़त्म छोटा वाला। अब इसको ओपन करो तो माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। एक बार ध्यान रखो कोई भी प्लस का नंबर अगर उसकी मल्टीप्लाई प्लस के नंबर से होगी तो हमेशा प्लस आएगा, कोई भी माइनस अगर उसकी मल्टीप्लाई किसी माइनस के नंबर से होगा तो भी प्लस आएगा, मतलब सेम साइन की जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस ही आएगा। अब अपोजिट साइन जैसे प्लस की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, माइनस के साथ, तो क्या आएगा माइनस, या माइनस वाले नंबर की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, प्लस वाले नंबर के साथ, तो भी क्या आएगा माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज माइनस वन बाई सिक्स, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज माइनस वन अपॉन सिक्स, इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज माइनस एट, मतलब कह रहे हैं कि दो रेशनल नंबर हैं उसमें से पहला नंबर ये है मान लेते हैं, दूसरा नंबर क्या है एक्स है, तो इनको जब हम ऐड करते हैं कितना आ रहा, इतना आ रहा, ये कह रहे हैं। अब बेटा इस नंबर को नंबर की तरफ भेजो तो एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन सिक्स, ये नंबर उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस का एट हो जाएगा। अब मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने बताया, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले नीचे एलसीएम में क्या आएगा सिक्स, ये नंबर ऐसे उतार लो और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो छः अठे अड़तालीस, अब ये प्लस का और ये माइनस का तो क्या बचेगा 47, ठीक, और छः सत्ते बयालीस होता है तो यानी सात पाँच बटे छः, छः सत्ते बयालीस पाँच सैंतालीस, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस टेन, मतलब माइनस टेन में से क्या घटा दिया जाए, मान लो कि हम एक्स रेशनल नंबर घटा देते हैं माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वन होल थर्टीन थ्री अपॉन ट्वेंटी फाइव। तो इसको सॉल्व करो, क्या करना है, ऐसा करो कि नंबर को नंबर की तरफ ले आओ, इसको इधर भेज दो तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक उधर जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 25 एक कम 25 और 3 28 बटे 25 और ये बराबर एक्स, और इस टाइप के नंबरों को सॉल्व करने का क्या तरीका हमने बताया, ये 25, ठीक इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 250 हो गया और ये वैसे उतार लिया जाएगा 28, ठीक। तो अब इसको इधर लिखो एक्स इक्वल टू, दोनों नंबर क्या है माइनस के तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 50 बीस 70 78 278 अपॉन 25, ठीक। अब इसको तुम चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, मिक्स फ्रैक्शन के लिए डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें, ये देखो 278 25 डिवाइड कर लो तो 1 जा 25 2 8 फिर 1 जा 25 क्या बचेगा 3 बचेगा, तो आंसर आएगा माइनस 11 3 बाई 25, ठीक। सब्ट्रैक्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 35 अपॉन माइनस 48 फ्रॉम 5, तो क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसका एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स किस में से माइनस करना है 5 में से। अब ध्यान दो ये तो रहा 5, ठीक है ना, इसमें से माइनस क्या करना है इसका एडिटिव इनवर्स। तो मैंने कहा था कि एडिटिव इनवर्स निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि कोई भी नंबर हो उसके आगे क्या लगा देंगे, सिर्फ माइनस, तो ये एडिटिव इनवर्स बन जाएगा 35 अपॉन माइनस 48 और ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब ध्यान दो बेटा नीचे माइनस ऊपर माइनस है, ठीक
चाहो तो आपस में कट कर दो, ऐसे नहीं समझ पाओ तो डायरेक्ट नहीं, धीरे धीरे देखो, प्ले ब्रैकेट ओपन करो, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 35 अपॉन नीचे क्या है माइनस का 48। अब ये माइनस माइनस कट गया तो आ गया 5 माइनस, अंदर क्या बचेगा केवल 35 अपॉन 48। ठीक, अब 35 और 48 में से कुछ कट तो रहा नहीं है, ठीक है ना, ना ही 5 से कट रहा ना ही 7 से, तो डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 × 48 और माइनस 35 अपॉन में क्या जाएगा 48। ठीक, अब 48 और 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 × 40 5 × 20 अच्छा 24 35 अपॉन 48। अब 240 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 205 और नीचे 48। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, जैसे यहाँ पे लिखा है 205 और ये 48, ठीक है, 4 × 5 = 20 ज़्यादा हो जाएगा, हाँ ये 50 ही है, तो 5 × 20 चार बार करें करीब, 4 × 32 4 × 16 3 × 19 5 × 2 = 3 यहाँ पे 10 10 × 9 हो गया 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको, 4 × 13/48, ठीक है। अब ये वाला देखो, सबट्रैक्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ, सबट्रैक्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसके इसका एडिटिव इनवर्स इसके एडिटिव इनवर्स से घटाना है, ठीक। अब ध्यान दो बेटा, पहले इसका एडिटिव इनवर्स लिखो, ये है -3/10, ठीक, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसके आगे माइनस लगा दो, इधर आओ, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस करना है इसमें से, तो ध्यान दो, अगर हमें इसका एडिटिव इनवर्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस तो करना ही करना है, तो ये तो माइनस वाला साइन है, अब इसका एडिटिव इनवर्स बनाओ, तो अंदर बनेगा -5/-7, ये रहा, तो ये इस नंबर का एडिटिव इनवर्स है, ये इस नंबर का एडिटिव इनवर्स है, और उन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस करना है, तो ध्यान दो सबसे पहले ये माइनस माइनस तो कट गया, ठीक, इधर वो ब्रैकेट ओपन करो तो ये आ जाएगा 3/10 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बेटा पहले देखो, इस ब्रैकेट को ओपन करो तो आ जाएगा -5/7, ठीक, अब 3/10, अब ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस माइनस प्लस, अब 5/7, ठीक, अब एलसीएम लो बेटा, 7 × 70 तो 10 सती मतलब 10 से डिवाइड करोगे 70 को तो कितना आएगा, 7 × 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 21 प्लस 7 से करोगे 10 × तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 50, आप 50 × 70 = 71/70, ठीक है, ये रहा, ऐसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख दिया, ठीक है बेटा, तो ये 8 क्वेश्चन तक हो गए इसमें। नाइन क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर डैट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस नंबर, यानी कि वो नंबर पता करो जो इसमें ऐड करें और ये मिल जाए, तो हमने कहा कि माना 2/3 में हम x ऐड कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा 14/36, आप इस नंबर को इधर ले जाओ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 14/36 और प्लस 2/3, ठीक है, पहले तो इसको कट कर लो, 2 × 7 = 2 = 18 7/18 और ये 2/3, अब इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा 18 ही आ जाएगा, तो 18 से 1 जा करोगे तो 1 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 3 6 जा 2 × 6 7 + 6 = 12 / 18 ये कितना 19/18 कितना आ जाएगा 1/18, थोड़ा स्पीड हमारी फास्ट है, वैसे हमें करना ये चाहिए कि एक एक वीडियो बड़े आराम से बहुत ही सिंपल तरीके से बना के हमें अपलोड करना चाहिए, लेकिन बेटा एक तो समय की कमी
ठीक समय चलो हाई भी कोई बात नहीं, लेकिन बेटा इतना अपलोड करने में इतना टाइम हो जा लग जाएगा, फिर अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और डाटा वाटा और स्पीड इतनी बुरी आ रही है, तो इसके लिए ऐसा करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, किसी तरह मैनेज करो। सोल्यूशन हम तुम्हें कुल मिला के प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉट शुड बी एड टू दिस नंबर टू गेट दिस, तो हमें -73 में क्या ऐड करें, तो हमने कहा कि x ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा 1, ठीक है। तो अब इस नंबर को उधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू 1 - +7/3। जब कोई नंबर इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब बड़ा सिंपल है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, 1 3 = 3 और +1 ये 7, ठीक है, ये प्लस का 7/3, 7 × 10/3 कितना आ जाएगा 3, सही 1/3, ठीक है बेटा। वॉट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -3/14 टू गेट दिस, अब देखो कह रहे हैं कि 3/14 में से क्या माइनस कर दिया जाए, मान लो कि x माइनस कर दिया जाए तो कितना मिल जाना चाहिए 5/6। अब नंबर नंबर एक साइड ले आओ, तो 3/14 इस नंबर को इधर लाओगे तो हो जाएगा प्लस 5/6 और इधर x। अब 14 और 6 का एलसीएम ले लो, 2 7 = 3 जा, 3 से करो और इस 7 से करो, 7 × 21 = 42 कितना आ जाएगा 42, 4 × 3 = 42 होता, 14 × 28 = 42, 3 आया तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 7 = 42 तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर, ठीक, ये हो गया 9 × 7 = 35/42 = x 44 ऊपर ऐड करें कितना जाएगा 42/42 44/35 10 = 45 होता है, जबकि 9 है तो 44 हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दो, 22 और 2 = 1, ठीक है ना, वही आ गया x। तो x इज इक्वल टू, हम अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो 1/21, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस, इफ़ द लार्जर नंबर इज दिस फाइंड द अदर, कह रहे हैं कि दो नंबरों को आपस में माइनस किया, ठीक है, दो नंबरों को क्या किया, आपस में माइनस किया है और उनका डिफरेंस ये आया। वीडियो बहुत लंबी हो गई, 17 मिनट की हो गई, चलो ये वाला क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में डालते हैं।